हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंकित एडवाइस के यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि आप सब सोचते होंगे कि यार बीच में वीडियो क्यों नहीं आ रही। बहुत सारे फेसबुक पेज पर भी आए, इंस्टाग्राम पर भी आए, तो सॉरी यार, बहुत सारे ऐसे काम आ जाते हैं कभी कभी। खैर, काम तो चलती रहेगी, बातें होती रहेगी, फिर आप सबसे मिलना भी होते रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सब एक ड्यूटी पर लगे होते हैं, हर एक काम को देखना पड़ता है, क्योंकि अभी उतने सारे मतलब सब्सक्राइबर नहीं है जो हमें रिस्पॉन्स लेना रहा है। लेकिन आगे चलकर उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप सब ऐसे सपोर्ट करेंगे और हर एक पल हम आप सबसे मिलते रहें, ब्लॉगिंग भी करें वीडियो के साथ कि आज कहां है, परसों कहां थे। तो चलिए देखते हैं आप सब कितना सपोर्ट करते। खैर, बातें बहुत हो गई, चलिए आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक स्मार्टफोन का रिव्यू, जहां पर कि सैमसंग गैलेक्सी A7, जिसको ट्रिपल कैमरा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें A7 की, तो शायद ये A7 के नाम से ही हर कोई जान जाता है कि ट्रिपल कैमरा। तो चलिए, ये A7 का बॉक्स पैक आप देख सकते हैं और करने वाले हैं अभी इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू और इसका कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो चलिए, यही A7 का अनबॉक्सिंग करते हैं आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सैमसंग गैलेक्सी A7, मैंने इसे टेबल पे ला चुका है अनबॉक्सिंग करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, इसकी कैमरा का आइकन बता रहा है, मतलब कैमरा पूरा सीधे में होने वाला है, एक के नीचे एक के नीचे एक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिपल नेटी कैम, मतलब कैमरा में भी कुछ हमें बेसिक फीचर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी डिस्प्ले, और यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी कि आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, तो वाओ, काफ़ी कमाल होगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, इसकी जो स्क्रीन साइज है वो है 6.0 इंच, यानी कि 15.36 cm की। और यहाँ पर देखिए, इसकी जो मेन कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का, और उसके अलावा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आपको मिलता है, जो कि ट्रिपल रियर कैमरा सब मिलकर बन जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 64 GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पर 4 GB रैम मिल रहा है, जो कि मार्केट में एक इसका और वेरिएंट अवेलेबल है जहाँ कि 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आपको मिलता है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा परचेस करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें ऑक्टा कोर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर देखिए 1.6 GHz ऑक्टा कोर प्लस 2.2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पर देखिए, इसकी बैटरी 3300 mAh की बैटरी मिल जा रही है, जो कि J7 प्राइम की अगर हम बात करें सैमसंग की, तो उसमें भी 3300 mAh की बैटरी मिल रही है। तो बैटरी बैकअप आई थिंक कुछ कम इसने दे दिया है, बट इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे एक स्पेशली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसकी बैटरी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कैमरा प्लस आगे भी हाई फाई कैमरा 24 मेगापिक्सल का, तो शायद बैटरी थोड़ा ज़्यादा इसे देना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए साइड में इसकी जो प्राइस लिखा आ रहा है, यहाँ पर देखिए 25,600 इसकी प्राइस लिखी आ रही है, जो कि इसकी अभी प्राइस लगभग आपको 18,000 में मिल जाएगा। तो ये प्राइस ज़्यादा इसने लिख दी है, इससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि यहाँ पर स्पॉन्सर करने के लिए यहाँ पर लिखना ही पड़ता है। और यहाँ पर डबल फोल्टी आपको मिल रहा है, और इस सिक्योर्ड बाय कनेक्स मेड फॉर इंडिया इस सैमसंग इनवाइट। और यहाँ पर चलिए अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, बॉक्स को खोलते ही हमें एक चार्जर अडेप्टर मिल रहा है, जो कि काफ़ी वर्षों से हम इसे देखते आ रहे हैं चार्जर अडेप्टर को, ये फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगा। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए, ईयरफोन काफ़ी चेंज है, क्योंकि पहले ईयरफोन जो मिलता था एक वायर छोटा एक वायर बड़ा, और वैसे ये रबर वाली नहीं मिलती थी, यहाँ पर देखिए ईयरफोन ये चेंज हुआ है A7 में। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी वायर क्वालिटी की, तो ये काफ़ी अच्छी है, तो ये ईयरफोन है। उसके अलावा बॉक्स को हम ओपन करते हैं अंदर की ओर, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है फ़ोन और एक देखिए यहाँ पर USB केबल, जो कि है माइक्रो USB केबल। और ये केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर हम चार्जर और USB केबल की बात करें, तो ये बिल्कुल ही पहले की तरह है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फोकस लेके, देखिए यहाँ पर A7, और यहाँ पर देखिए USB
काफ़ी अच्छा है इसकी क्वालिटी भी, और ईयरफोन की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ जूम करके। तो ये देखिए यहाँ पर रबर वाला दिया गया है लेफ्ट राइट सैमसंग का, और इसकी जो 3.5 mm की जैक है तो वो भी काफ़ी अच्छी जैक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी देखिए काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आपका चलेगा भी काफ़ी अच्छा। तो चलिए अब देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पर माइक भी मिल रहा है आपको, माइक्रोफोन, आप इससे बातचीत भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक जॉइंटर दिया गया है, तो जॉइंट तो रहेगा ही, हर एक चीज़ में रहता है। और यहाँ पर देखिए एक सेमी इजेक्टर टूल दिया गया है, जिससे कि हम सिम कार्ड को ओपन कर पाएंगे, क्योंकि बिना सिम कार्ड के फ़ोन तो बेकार ही हो जाएगा। तो सिम कार्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए एक सेमी इजेक्टर टूल दिया गया है, जो कि काफ़ी छोटा है, खैर इससे कोई मतलब भी नहीं है हमें, ये एक सेमी इजेक्टर टूल फ़ोन को ओपन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल हमें हर एक चीज़ में आजकल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इसमें भी यूज़र गाइड है, आपको फ़ोन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फ़ोन को बूट करना है, कैसे इसकी सिम कार्ड को लगाना है, या फिर इसकी वारंटी कार्ड भी इसी यूज़र मैनुअल में ही छुपा हुआ है। तो चलिए इसको भी साइड रख लेते हैं, इसकी देखना कोई ज़रूरी नहीं है हालाँकि। तो चलिए अब बेसिकली निकालते हैं फ़ोन को, और फ़ोन की डिज़ाइनिंग देखने के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए फ़ोन यहाँ पर ये है, और ये पीछे की साइड देखिए काफ़ी ब्राइट कर रही है, और यहाँ पर आगे की साइड भी आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए अगर हम ऊपर की साइड बात करें तो काफ़ी कुछ नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर साइड है, यहाँ पर एक वॉल्यूम अप डाउन बटन है, और देखिए यहाँ पर पीछे एक देख सकते हैं आप कैसे मतलब इसकी क्वालिटी है साइड की। देखिए यहाँ पर नीचे की साइड आपको मिल रही है एक USB टाइप चार्जिंग के लिए पोर्ट, और 3.5 mm का जैक, और साइड में देखिए यहाँ पर सिम कार्ड का स्लॉट आपको मिल रहा है, जो कि सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड और सिम टू मतलब टोटल एक ही स्लॉट में लगेंगे। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए सिम इजेक्टर टूल जो मैंने आपको दिखाया था, उससे इसे सिंपली प्रेस करना है इस होल में, और यहाँ पर देखिए ये सिम कार्ड का स्लॉट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड और दो सिम कार्ड आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद हम इसको लगा देते हैं, फिर से वैसे ही आपको इसे अंदर की ओर प्रेस कर देना है, और ये लग जाएगा। ध्यान दें आप उल्टा इसे प्रेस ना कर दें, अगर नहीं लग रहा है तो फिर से इसे पलट के लगा दें। और यहाँ पर देखिए पीछे ये ऊपर की ओर एक माइक मिल रही है हमें, आई थिंक इसमें माइक ट्रू है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अप डाउन बटन है, और प्लस यहाँ पर आपको जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर ये सेंसर है फिंगरप्रिंट का, और प्लस यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन भी है, तो काफ़ी अच्छा है। सेंसर बहुत ही छोटा दिया गया है जगह की वजह से, और इसकी जो डिज़ाइनिंग भी की गई है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए पीछे ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, बार बार ये हमें दिख रहा है, और एक फ्लैश लाइट मिल रहा है उसके नीचे। तो ये कैमरा तो मैंने आपको बता ही दिया, 24 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल ये कैमरा है पीछे की ओर, आप देख सकते हैं ये तीनों कैमरा एक लाइन में है, एक के नीचे एक के नीचे एक, और उसके बाद भी एक फ्लैश लाइट भी उसके नीचे है, तो काफ़ी अच्छी है कैमरा निकला हुआ है। आप इसे बिना कवर का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप इसे रखेंगे कहीं टेबल पे या फिर कहीं भी तो ये मतलब कि इसमें बहुत सारे स्क्रैच आ सकते हैं। तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं, तो याद पर देखिए सैमसंग गैलेक्सी A7 सिक्योर्ड बाय कनेक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो यहाँ पर देखिए सैमसंग, ये रिबॉक्स कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस फ़ोन को मैं पहले ही अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, और ये रिबॉक्स है, इसे मैं आप सबको साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसकी कुछ डिटेल्स आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए ऑन हो रही है, ऑन होने में काफ़ी लेट। इसकी जो डिस्प्ले है मैं तो आपको बता दिया हूँ, 6.0 इंच की इसकी डिस्प्ले है, और यहाँ पर देखिए अभी टाइम बता रही है कितने टाइम में ये शूट हुआ है हमारी वीडियो, आप इससे जान सकते हैं। पर देखिए मैंने इसमें लॉक भी लगाया था जब मैं इसे परचेस किया था, तो यहाँ पर इसमें फेस अनलॉक भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन तो मैंने आपको दिखाई दिया, ऊपर की ओर आगे ऊपर की ओर एक सेंसर मिल रहा है, और फिर बात करने के लिए एक छोटा सा स्पीकर मिल रहा है। तो चलिए अब इसकी कैमरा को थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये है सेल्फी कैम हमारा, और यहाँ पर देखिए काफ़ी कमाल है, मेरा फेस आ रहा है यहाँ पर, और ये देखिए हम इसको क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी कमाल का क्लिक लिया गया है, 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो ये काफ़ी अच्छी होगी। और यहाँ पर देखिए इसकी बैक कैमरा थोड़ा सा हम चेक करते हैं, तो ये देखिए कैसी रहती है। यहाँ पर देखिए सूट लेते हैं थोड़ा सा, ये आगे A7 और ये थोड़ा सा फ्लावर है, सूट लेते हैं। वाओ,
काफ़ी ये भी अच्छे सूट है, और क्यों नहीं अच्छे सूट तो होने ही वाली है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है तो अच्छे सूट तो होगी। ये क्लियरिटी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर इससे रियल में यूज़ करेंगे, रियल में कैमरा को चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छा कैमरा साबित। हाँ तो गाइस ये था A7 का न्यू फ़ोन और काफ़ी कमाल इसका लुक है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जूम करके मैंने आपको दिखाया था। और ये A7 का काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसमें दो वेरिएंट है, मैं इस 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से सिंपली परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि ये फ़ोन किन किन को पसंद आया, नीचे बॉक्स में हमें बताइए कि ये फोन कैसा लगा आप सबको, और फिर क्या हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एक दूसरे को ताकि इस फोन के बारे में पता चल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट पाते रहिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।